झारखंड में भ्रमण कार्यक्रम को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा बोकारो सर्किट हाउस में की गई बैठक। बोकारो के सर्किट हाउस में बोकारो जिला कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा विभाग की एक बैठक हुई। इस बैठक में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष मंजूर अंसारी के भ्रमण कार्यक्रम की सफलता को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष मंजूर अंसारी के साथ झारखंड प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक कमेटी के प्रदेश महासचिव एवं चास नगर पार्षद के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल वाहिद खान भी मौजूद थे। इस मौके पर मंजूर अंसारी ने कहा कि आज धनबाद में एक कार्यक्रम है, साथ ही साथ झारखंड के हर जिले में कार्यक्रम होगा। कांग्रेस पार्टी काफ़ी मजबूती के साथ काम कर रही है तथा आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपना दमखम दिखाएगी। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि झारखंड में एक सप्ताह के अंदर अल्पसंख्यक आयोग का गठन होगा। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव अब्दुल वाहिद खान ने कहा कि आज भ्रमण कार्यक्रम के दौरान धनबाद में प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत समारोह है, साथ ही साथ कई जिलों में भ्रमण कार्यक्रम होगा। कांग्रेस पार्टी काफ़ी मजबूती के साथ झारखंड में काम कर रही है तथा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी लोग एकजुट होकर पार्टी के काम में लगे हुए हैं। अल्पसंख्यक आयोग का गठन की हम लोगों ने मांग किया है, जो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर गठन हो जाएगा। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग के साथ अब्दुल वाहिद खान, निजाम अंसारी, सफदर हुसैन, शराफत अंसारी, हाजी नूर मोहम्मद, निजामी शहनशाह, परवेज गुलाम मुस्तफ़ा, आफ्ताब आलम सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस के नेता एवं कार्यकर्ताओं के साथ भ्रमण कार्यक्रम के लिए प्रदेश अध्यक्ष बोकारो से धनबाद के लिए रवाना हुए। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। आज कौन सा कार्यक्रम को लेकर आप लोग यहाँ बैठक किए, कहाँ जा रहे हैं? आज सबसे पहले पूरे झारखंड का दौरा करना है, उसमें आज धनबाद की दौरा हमारे सभी नेताओं के साथ होना तय हुआ है। अभी हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे धनबाद, वहाँ जो अपने संगठन है, कार्यकर्ता हैं, उन लोग से एक बैठक होगी। संगठन के क्या प्रारूप हैं उस पर हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे। आने वाले समय में हम बेहतर संगठन कैसे बना पाएं उसका हम बहुत ही गौरव फिक्र करेंगे और उस पर आगे हम काम करेंगे। आपके सहजादा अनवर बैठ रहे हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो अल्पसंख्यक आयोग के गठन के लिए इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सहजादा अनवर जी हमारे एक वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने का जो भी बयान है उनके अपने हिसाब से ठीक है, लेकिन हमारा अपना मानना है कि उसको संगठन के जो हमारे लीडर हैं उन पर इस बात को उचित माध्यम से रखना चाहिए था। मैंने ये अल्पसंख्यक आयोग का गठन होना सही है? निश्चित तौर पर सही है, उसमें कहीं ना कोई टेक्निकल बात शायद हमारी जो सूचना है कि कुछ टेक्निकल बात है जो सरकार उस पर चिंतन गहन कर रही है, हो जाएगी आने वाले समय में, हमें लगता है कि हो जाएगा। हमें ये भी लगता है कि सप्ताह भर के अंदर में हो जाएगी। कार्यक्रम के बारे में बताइए क्या होगा? आज जो है, आज से हम लोग का कांग्रेस माइनॉरिटी का प्रोग्राम स्टार्ट है। आज सर्किट हाउस बोकारो में प्रोग्राम हो रही है मंजूर अंसारी की अध्यक्षता में, और उसके बाद फिर धनबाद में भी अभी यहाँ से निकलेंगे हम लोग, वहाँ भी बैठक है। उसके बाद संताल परगना का टोटल प्रोग्राम है, फिर कंटिन्यू प्रोग्राम हम लोग का संताल परगना तक जो है, दुमका उमका जामताड़ा वगैरह का प्रोग्राम वो सब अटेंड करना था, जिसकी अध्यक्षता जो हमारे माननीय अध्यक्ष हैं प्रदेश के मंजूर अंसारी की अध्यक्षता में होगी। और मैं आपके माध्यम से सरकार से ये डिमांड करता हूँ कि हमारा अल्पसंख्यक आयोग का जो गठन जल्द से जल्द करे, और उसमें मैं चाहूँगा कि मंजूर अंसारी साहब जब से आए हैं माइनॉरिटी सेल जो है बहुत एक्टिव हो गया है, मंजूर अंसारी को ही जो है अगर अध्यक्ष बनाया जाए माइनॉरिटी सेल इसका अल्पसंख्यक आयोग का, तो बड़ा अच्छा रहेगा। ये कल से सहजादा अनवर करके हैं जो कार्य अध्यक्ष हैं, कल से वंशे में बैठने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सहजादा अनवर साहब बार बार ये कोशिश कर रहे थे बहुत से नेताओं को लेकर के, सीपीएफ नेताओं को लेकर के, कि ये जो है अल्पसंख्यक आयोग का जो गठन जल्दी हो, न होने के वजह कर वो जो है रांची में आपका जो है महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने जो आसन में बैठने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। अगर इसके बीच में बात मान जाते हैं, बन जाता है, तो ठीक है, न तो सहजादा अनवर साहब निश्चित रूप से बैठेंगे, और उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सरकार जरूर जगेगी और ये बनेगी। उनके साथ समर्थन में, उसका समर्थन में मैं भी जो बैठ जाऊँगा और मैं भी बैठूँगा।